देखो मैंने तुम लोग को सोल्यूशन सेंड किया कल रात को। वो जो क्वेश्चन मैंने एक वॉल्यूम वाला किया था ना, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, तो यू कैन सी द आंसर इज क्वाइट इजी दैट आई हैव सेंट। और जो मैंने सॉल्व किया था वो काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो वो आप सब्स्टिट्यूट क्या करना है उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, एंड यू कैन मेक द क्वेश्चन क्वाइट इजी है। अभी मिसलेनियस अगर रात को ट्राई किया हो तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2, तो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 अभी, इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन 1.3 एंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाएगा अपने एक्सरसाइज में, जरूरत नहीं वैसे भी रोल्स थ्योरम है नहीं आप लोगों को, सो लेट इट बी, बाद में सोल्यूशन इसका सेंड कर। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम वैल्यू पूछा है। ओके, देखो कुछ जगह है ना ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रीअरेंज करते हैं, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमारा अटेंशन इस पे होना चाहिए। अगर ये मुझे मिनिमम चाहिए तो ये निगेटिव है, बराबर निगेटिव वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम होगा। आई एम श्योर आपको अभी मैं बाजू में रखकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 ये सब में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, माइनस 5 माइनस 6 इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, अब यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, माइनस साइन है ना, तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। तो मुझे ये नंबर सबसे बिगेस्ट चाहिए। अगर कोई नंबर बिग चाहिए और उसके डिनोमिनेटर में कुछ है तो डिनोमिनेटर शुड बी व्हाट, एज स्मॉल एज पॉसिबल, डिनोमिनेटर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये ऊपर 2 है, ठीक है, अभी नीचे x की वैल्यू 0 ले लो तो 0 प्लस 1 कितना आता है, 2 आता है। एक्स की वैल्यू 2 ले लो आप, 1 ले लो आप, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1, 2 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 लिया तो 4 प्लस 1 0.4, 2 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 लिया 9 प्लस 1 0.1। अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्स का स्मॉल जो वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट, स्क्वायर है ना ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट, 0। मैंने अलग अलग वैल्यू आपको लेके दिखाया, 0, 1, 2, 3, जैसे जैसे नंबर लेता हो ये क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो मुझे सबसे बिगेस्ट नंबर क्या मिला, ये 2 मिला ना, एंड दैट ऑल्सो एट 0। तो एफ मिनिमम, एफ
मिनिमम अगर मुझे चाहिए तो इट इज नथिंग बट 1 माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 1 माइनस 2 और द आंसर इज माइनस. ये शॉर्टकट है सर. ये पल्ले पड़ा क्या अब? अच्छा आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे ना आप तो आपको यही करना है. ये शॉर्टकट समझा? इल्ले नहीं समझा. चलिए ये शॉर्टकट मेथड है दिमाग लगा के करने का. अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, हम डेरिवेटिव करके भी दिखा देते हैं. ये सब ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज एफ डैश एक्स? 1 का 0 इसका माइनस का प्लस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू 2x यानी कि 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. लेट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज 4x upon x square plus 1 the whole square is equal to 0 और x का एक ही आंसर है. तो आप समझ ही सकते हो कि इसका मिनिमम आंसर किस पे होगा? 0 पे. कंफर्म करने के लिए आपको f डबल डैश x निकालना होगा. 4 बाजू में रखा u upon v रो एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर का रेज टू 4 हो जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब बचेगा 4 into 1 minus 3x square upon x square plus 1 the whole cube. F double dash of 0, 4 into 1 minus 0 upon 0 plus 1 cube. Yani ki 4 which is greater than 0 implies F is minimum at x equal to 0. F minimum की value आप देख सकते हो 0 minus 1 0 plus 1 that is equal to minus 1. मैंने आपको ये answer पहले भी दिया था, shortcut method मैंने आपको बता के दिया था. You should have remembered it. C. Yes dear. तो शॉर्टकट मेथड समझो, वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, लैडर वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो. इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो ये लैडर एक वॉल के अगेंस्ट में रेस्ट किया. A, B, C.
लैडर का लेंथ है 5 मीटर एंड पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, ये x ले लो और ये y ले लो, लेंथ ऑफ हायर पॉइंट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, x की वैल्यू दिया है 4, x इज इक्वल टू 4 मीटर्स ओके एंड dx upon dt 1.5 meters. हमको पूछा है what is dy upon dt. Basically, आपको पता होना चाहिए x square plus y square is equal to pi का square 25, Pythagoras theorem. That implies, okay, इसको equation number 1 लिख लो. x square 4 है 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सॉल्व करके y का वैल्यू कितना मिला 3. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 सॉरी x स्क्वायर का 2x विथ रिस्पेक्ट टू tr, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy upon dt is equal to 0, यानी कि dy by dt जो है that is equal to minus x upon y dx upon dt. Put the values, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3 और ये है 1.5. So, the answer is 2 meters per second, 2 meters per second. Dy by dt का answer minus 2 दिया है, but magnitude आपको लिखना है. Okay, so correct answer क्या आएगा? B. fx and gx be differentiable function, then let exist a real number 0, 6 but fsc is equal to 2 g dash c, then the value of g of 1 must be equal to chali देखो अपने को f dash of c is equal to 2 g dash of c दिया है, equal है, where c exists a real number in 0, 1. इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को f dash of c का इंटीग्रेशन f of x मिलता है, इसको पहले ये ले लो, c के बदले x ले लो. I'm just trying in ये आइडिया मुझे भी नहीं क्या इसका आंसर है. Now इसका इंटीग्रेशन किया तो f of x plus the constant that is equal to इसका आएगा 2 g of x plus the constant. मैं दोनों के बदले एक ही constant लिख देता हूँ, okay? क्योंकि integrate करेंगे तो constant आता है. अभी integration सिखा है 11th standard में आप लोग ने. अभी इसमें ये value 0 और 1 भी है अपने को दिया है, तो पहले 0 डालो. f of 0 must be equal to 2 times g of 0 plus k. देखो f of 0 कितना दिया है आपको, 0, that is equal to 2 into g of 0 कितना दिया आपको, 0, वो भी 0 ही दिया
plus k. So the value of k is equal to 0. Now, अभी उसमें one substitute करते हैं. तो f of one must be equal to two times g of one plus k. F of one is given as 6. Two times g of one, k का value कितना है 0. So the answer must be g of one is equal to 3. ऐसा कोई answer दिया है क्या? पीछे आंसर चेक करो, 3 दिया है क्या? अरे बच्चा तुम लोग है कि नहीं क्लास के अंदर? यस सर. सर बी रिप्लाई नहीं दे रहा. मैंने पूछा देखो जरा ये आंसर थ्री है कि नहीं. सर मैं बोल रही थी बी ऑप्शन करके. हाँ मैं बोला बी ऑप्शन. अच्छा ठीक, ऑप्शन बी राइट है अपना. तो मैंने क्या किया, एफ डैश सी इज इक्वल टू टू जी डैश सी दिया है. सी मतलब कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है. मैंने उसके बदले पहले तो ये एक्स के फॉर्म में लिया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया. इंटीग्रेट करते तो कांस्टेंट मिलता है. एफ ऑफ जीरो और टू जी, पहले जीरो डाला क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है जीरो का, तो के का वैल्यू मुझे जीरो मिला. उसके बाद अपन ने एक्स की वैल्यू वन लिया इस इक्वेशन में. एफ ऑफ वन दिया है, जी ऑफ वन पूछा है. f of x आपको दिया है, x cube minus 6x square plus 9x plus 18. अपने को strictly decreasing चाहिए. तो f dash x x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 18x लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सर माइनस 12x आएगा ना? एक मिनट 62. हाँ 3 से डिवाइड करो. एक्स स्क्वायर माइनस 12x 4 हो जाएगा प्लस 3 लेस देन 0. अभी तुम्हारे को टेक्स्ट बुक में केस वन केस टू करके बहुत सारा मेथड दिया है. मैं तुमको इधर शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन, ये 3 उधर गया तो माइनस 3. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये टू फोर का हाफ कितना होता है 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, दोनों बाजू 4 प्लस कर दो. x माइनस 2 द होल स्क्वायर लेस देन 1. दिस इंप्लाइज इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव रूट के लिए सेम और नेगेटिव रूट के लिए अपोजिट साइन. तो x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 1 लेस देन x लेस देन 3. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 3 डी. डी इज द राइट चॉइस, 1, 3. अभी देखो टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, इधर आने के बाद फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर केस वन केस टू सॉल्व करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं. बट ये भी एक मेथड परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, एक ही बार में दोनों आंसर आ जाता है. ओके okay.
So remember this method as well. ये लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ना 12th में वैलिड नहीं है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो ही ये मेथड यूज कर सकते हो. और अगर आप वो कर रहे हो क्या बोलते हैं अपना सॉल्ट एग्जांपल जो एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आपको आपका टेक्स्ट बुक का मेथड यूज करना है. सिक्स क्वेश्चन देख लो क्या दिए. एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ y is equal to alpha log x plus beta x square, then extreme points of ये question number को लगता है incomplete है. Actually अगर Rolle's theorem is valid दिया रहता अच्छा सॉरी, इसका एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट किस पे होता है, माइनस वन एंड माइनस टू पे. जस्ट हैव अ लुक, वाई इज इक्वल टू अल्फा लॉग एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. That means dy upon dx, alpha upon x plus 2 beta into x and plus 1. Since x equal to minus 1 and x equal to 2 are extreme points, मतलब इस पे मैक्सिमा मिनिमा, इस पे अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू माइनस वन कितना होएगा, जीरो, एंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू टू भी कितना होएगा, जीरो. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू माइनस वन डाले तो माइनस अल्फा 2 इंटू माइनस वन माइनस टू बीटा हो जाएगा, माइनस टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. एंड इधर देखो अल्फा अपॉन टू प्लस टू टू जरा फोर बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. So, alpha plus 2 beta is equal to 1. Write this as expression number 1. Alpha 8 beta is equal to minus 2. Write this as 2. Equation 2 में से equation 1 को minus करो. अल्फा अल्फा चले गया, एट बीटा में से टू बीटा गया, सिक्स बीटा, माइनस टू माइनस वन किया तो माइनस थ्री. तो आपको बीटा का वैल्यू कितना मिला, माइनस वन बाय टू. इफ बीटा इज माइनस हाफ तो अल्फा माइनस वन प्लस वन, अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू वन, और यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू टू. तो आपका करेक्ट चॉइस है अल्फा इज टू बीटा इज माइनस हाफ. करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो ये जरा समझना, अभी ये ध्यान में रखो कि अगर आर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन दिया, इसका मतलब द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ये मैं भी भूल गया था, तो ये ध्यान रखना. अगर आपको दिया है कि दे आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन, देन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल बी जीरो. तो आप देख लो सब्स्टिट्यूट किया अपन ने यहाँ पे,
तो अपने को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला, सॉल्व कैन वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्मल टू द कर्व एट, पूछा है व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 टाइम्स x डिवाइड अपॉन dx, y माइनस 3 टू 6y डिवाइड बाय dx इक्वल टू जीरो। x डिवाइड अपॉन dx प्लस y dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3y माइनस x dy upon dx that is equal to x plus y, okay, or in other words dy upon dx is x plus y upon dy minus x. Slope of normal is minus 1 upon dy by dx, okay, at the point 1, 1, so it is minus of 3y minus x upon x plus y. Put the value, minus of 3 minus 1 upon 1 plus 1, यानी आंसर क्या आया, minus 1. तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला माइनस वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मीट्स द कर्व अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, does not meet the curve again, meets the curve again in third quadrant, meets the curve again in fourth quadrant. ये हो गया आपका इक्वेशन नॉर्मल। टू फाइंड वेदर इट मीट्स द कर्व और नॉट, आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन ओनली यू कैन रिमेम्बर, ओके। 1, 1 पे तो है ही है, अभी अपने को दूसरा ये निकालना है। तो व्हाट यू डू, पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस x इन x square 2xy minus 3y square equals to 0. Solve karo, x square 2x into 2 minus x the whole square is equal to 0. X square plus 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5
प्लस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, थ्री फोर जो ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। Implies x square minus 4x plus 3 is equal to 0, x minus 1, x minus 3 is equal to 0. That implies x equal to 1, x equal to 3. X ki value 3 mila, so y is equal to 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। देयरफॉर अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना मिला आपको 3 कॉमा माइनस 1। दैट मीन्स एक 1 कॉमा 1 में कट करता है नॉर्मल, दूसरा वापस से कट किधर करता है 3 कॉमा माइनस 1 में। अभी ये जो 3 कॉमा माइनस 1 है, ओके 3 कॉमा माइनस 1 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। यू कैन सी कि इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं। नॉर्मली आपके ऑब्जेक्टिव में ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बट इसके शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, यू कैन अडॉप्ट देम एज वेल। एट्थ वन, equation of tangent to this curve at a point of intersection with the y-axis is, सबसे पहले तो y-axis से इसका point of intersection ढूंढना चाहिए। तो on y-axis x coordinate is zero, okay, तो put x equal to zero, this implies y is equal to 1 minus e raised to 0 by 2, that is 1 minus 1, kitna aaya 0, correct na, e raised to 0 is 1, to iska matlab point of intersection jo hai, that is nothing but 0 comma 0, origin pe intersect ho raha hai। Abhi udhar tangent ka equation se tumko chahiye, to dy अपॉन डी एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन टू इंटू एक्स बाय टू का डेरिवेटिव हाफ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू अगेन जीरो बाय टू इंटू हाफ, कितना आया माइनस वन बाय टू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा तो y माइनस जीरो या y इज इक्वल टू mx, एनीथिंग व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। तो राइट आंसर इज x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? If the tangent at this point meets the curve again at P, then P is तो सबसे पहले आप y square is equal to x into 2 minus x the whole square दिया है, okay? Y square is equal to x into 2 minus x the whole square, that implies 2y dy upon dx
x into 2 times 2 minus x okay plus of 2 minus x the whole square x का derivative 1 u into v rule use किया और ये इसका डेरिवेटिव में माइनस वन आता वो भूल गया सो डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू इसको ओपन करोगे आप तो माइनस टू एक्स इंटू टू माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ फोर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर अपॉन टू वाई है देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट इज थ्री माइनस एट प्लस फोर अपॉन टू 1 comma 1 dala. So it is minus 1 by 2. Equation of tangent. Okay. Equation of tangent is y minus 1. Hello. Haan, Amit. Haan, sir, I'm a gate ke bahar khada hoon. Amit, ghar pe aa jao na. Acha, allowed hai? Haan, aa jao. Koi dikkat nahi. माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस वन सो टू आई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन और इन अदर वर्ड्स एक्स प्लस टू आई इक्वल टू थ्री देखो अभी ये वैल्यू को इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करना और फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल है इफ द टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन एट पी देन पी इज तो वेरी डिफिकल्ट क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है तो व्हाट इज अनदर मेथड कि यहां पे जो वैल्यूज दिया है ना उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक करो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ऑप्शन ए देख लो इसमें ना डाल के पहले इसको चेक करो इसको टेंजेंट को ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा करेक्ट ना ऑप्शन बी जो है माइनस वन प्लस फोर है ना एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू टू है माइनस वन प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री सेटिस्फाइड ओके सेटिस्फाई टेंजेंट इक्वेशन अब यही वैल्यू इस इक्वेशन में भी डाल के देखो ऑल्सो टू स्क्वायर दैट इज माइनस वन इंटू टू माइनस वन द होल स्क्वायर यानी कि फोर इज इक्वल टू माइनस वन आया नॉट सेटिस्फाइड चलिए तो सी में आ जाओ सी नॉट सेटिस्फाइड बचा ऑप्शन डी तो नाइन अपॉन फोर प्लस थ्री बाय एट थ्री टू इंटू क्या थ्री बाय फोर नाइन प्लस
3, 12 upon 4 is equal to 3. Satisfy tangent. Up, put then the curve. So y key value 9 by 8 the whole square. 3 by 8 the whole square. So 3 ka square 9. 8 ka square 64. Equals to 9 upon 4. Tenth. 2 minus 9 by 4 the whole square. Four twos are 8 minus 9. 1 upon 4. So that is 9 upon 4 into 1 by 16. 9 by 64. Take care. Satisfy curve. The right option is B. सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाला. ये तो आपके ट्वेल्थ में पूरा सब आपने किया है. उसके बाद आपने क्या किया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, डायरेक्टली चेक कर सकते हो टैंजेंट को, क्रॉस कर दो. ऑप्शन बी सेटिस्फाई किया टैंजेंट को, कर्व को नहीं किया, तो गलत आंसर है. फिर आपने टैंजेंट में और कर्व में दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन टेंथ क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है. ऐसा डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग इससे निपटाओ, बेटा पार्ट टू में आ जाओ. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट. अभी अगर दो कर्व को दिया है कि दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का जो टैंजेंट्स है वो एक दूसरे को कट करता है एट 90 डिग्री. तो ये जस्ट स्टेटमेंट का मतलब याद रख लो, इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इट मींस दैट द टैंजेंट्स एट द टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अभी इधर देखो, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है. इसका डेरिवेटिव करो, 2 ए एक्स प्लस 2 बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0. So, dy upon dx का वैल्यू तुमको मिलता है माइनस ax अपॉन बी वाई. ओके, ऑल्सो द अदर कर्व इज a डैश x स्क्वायर b डैश y स्क्वायर equals to 1. इसका डेरिवेटिव निकालो, तो a dash x square का डेरिवेटिव 2x, b dash y square का डेरिवेटिव 2y, divide by dx equal to 0, divide upon dx in the other cases, इसको आप ले लो m1 slope of first tangent minus a dash x b dash y, ये आपका m2 हो गया. Since curves are orthogonal
इसका मतलब ये है कि m1 वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन इंप्लाइज माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई माइनस ए डैश एक्स अपॉन बी डैश वाई इज इक्वल टू माइनस वन. In other words, A into A dash upon B into B dash that is equal to minus Y square upon X square. Write this as 3. एक काम करो, ये इन दोनों को सॉल्व करो. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो तो आपको a dash minus a into x square plus b dash minus b into y square is equal to 0 milega. On simplification, I'll be getting a minus a dash, sorry, a dash minus a upon b dash minus b is equal to minus y square upon x square. Put in equation number 3. A dash okay, upon b dash is equal to kya mila a dash minus a upon b dash minus b. Rearranging this, I can say a dash minus a upon a dash is equal to b dash minus b upon b dash. So, फिर से थोड़ा arrange करो. 1 upon a minus 1 upon a dash is equal to 1 upon b minus 1 upon b dash. I think this is what was required. इसको और भी अरेंज कर सकते हो जैसा उन्होंने दिया है. वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए डैश माइनस वन अपॉन बी डैश एज रिक्वायर्ड. तो ये ऑर्थोगोनल का मतलब समझना था. और कर्व्स और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है स्लोप्स ऑफ टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The tangents are perpendicular to each other. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर द फर्स्ट कर्व निकाला डेरिवेटिव करके. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव किया एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर द सेकेंड कर्व निकाला. क्योंकि कर्व्स ऑर्थोगोनल है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन आया. सॉल्व किया मुझे ये इक्वेशन मिला. अब मुझे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को वन और टू को सॉल्व किया तो मुझे माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. दोनों सेम है, कंपेयर किया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज ए ए डैश अपॉन बी बी डैश इज सेम एज ए डैश माइनस ए अपॉन बी डैश माइनस बी. रीअरेंज सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर टू. Determine the area of triangle formed by the tangent to the length of the curve y minus 3 x raised to 5 drawn at the point 2 comma 1 comma 2 and the coordinate axis. Okay. So what you are expected to do is सबसे पहले आप equation of tangent निकालो. Y is equal to 3 minus x square dy upon dx minus 2x slope of tangent at 1 comma 2 equals to dy by dx
एट 1, 2 यानी कि -2 × 1 सो द आंसर इज -2. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट y − y1 m इंटू x − x1 y − 2 − 2x + 2 that is 2x + y = 4 x/2 + y/4 = 1 therefore length of x intercept अब याद करो ये 11th में इक्वेशन आपने पढ़ा था ना इज ऑफ फॉर्म x/a y/b = 1 नाउ दिस इंप्लाइज a = 2 b = 4 अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका टेंजेंट है ये पॉइंट ए और बी में कट करता है और ये आपका ओरिजिन है तो ये लेंथ हो गया ए इफ दिस इज ए कॉमा जीरो एंड ये अगर 0, b है तो ये लेंथ हो गया बी अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है दैट इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट यानी कि हाफ ऑफ ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू कितना है 4 सो द करेक्ट आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स क्या पूछा है कि टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट ए और बी में तो यू कैन सी अ ट्रायंगल इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो हमको ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ढूंढना था और एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट यूज करना इज दिस क्वेश्चन ओके तो अगेन देखो एक न्यू मेथड पूछा अभी तक अपने से सिर्फ यही पूछते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये नया चीज पूछा है ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट 1, 2 आई लीव दिस एज होमवर्क ओके तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y = 4 − 4x − 4 − 6xy = 0 at m = 1, 2 ये इजी है पहले इसका डेरिवेटिव निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का फाइंड आउट करना फोर्थ क्वेश्चन अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इज बीइंग emptied at the rate of 2 cubic feet per second. Height of the cone is 8 feet and the radius is 4 feet. Find the rate of change of water level when the depth is 6 feet. ये एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है लेकिन इस बार थोड़ा इंफॉर्मेशन अलग दिया है पिछली बार सेमी वर्टिकल एंगल दिया था O, A, B. ये जो वैल्यू है ए बी वो अपने को ए पॉइंट तो जो रेडियस दिया है क्वेश्चन नंबर ये 8 feet एंड रेडियस इज 4 feet मतलब ये 4 है और ये रेडियस कितना है 8 ये
एंगल नहीं दिया है। अभी वाटर टैंक बीच में कहीं ये लेवल तक फिट हुआ और यहां पे हाइट है 6 फीट, लेट अस से बी डैश। अब ये अगर बी डैश लेते हो तो आपको ये रेडियस तो पता नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिखोगे, कैपिटल एच इज इक्वल टू लिख दो 8 फीट, कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 फीट, एच द पैरामीटर 6 फीट, आर पता नहीं, हमको डीवी अपॉन डीटी दिया हुआ है, ये आर आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, डीवी अपॉन डीटी दिया है एस 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। हमको पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ डीएच अपॉन डीटी। ओके, अभी यू कैन सी टू ट्राइंगल्स ओ पी डैश बी डैश एंड ओ पी बी सिमिलर है, क्यों? एक एंगल कॉमन और एक एक एंगल 90-90 है। तो व्हाट यू कैन से, ट्राइंगल ओ पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी डैश बी डैश। तो एच अपॉन आर इज इक्वल टू एच अपॉन आर, जो जो वैल्यूज पता वो डालते जाओ, एच की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4, ये एच की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू पता है, सॉल्व किया आपने। ओके, तो आपको इसको एच ही रखो, लास्ट में अपन मॉडिफाई करेंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज आर इज इक्वल टू एच अपॉन, राइट, दिस एज एक्सप्रेशन नंबर 1। पिछली बार आपने क्या यूज किया था, ये थीटा दिया था, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा था टैन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच, सेमी वर्टिकल एंगल दिया। इस बार सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया, मेथड चेंज कर दिया। तो आपको ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से आपको ये रिलेशन डेवलप करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है ये रिलेशन डेवलप करना। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। आपको हाइट का ढूंढना है तो आर एलिमिनेट करना है, द हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल व्हेन द डेप्थ इज 6 फीट। तो आर के बदले में आप लिखोगे एच अपॉन 2 द होल स्क्वायर इनटू एच। So, what you are getting is 1/4 3 = 12 pi h cube. Find the derivative dv upon dt pi upon 12 into 3h square dh upon dt. dv by dt का वैल्यू आपको दिया है 2, ये 3 कट जाएगा पाई बाय 4, एच स्क्वायर की वैल्यू एच कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 डीएच अपॉन डीटी, 4 9s are 9 pi बचा। तो आपको डीएच अपॉन डीटी का वैल्यू 2/9 pi फीट्स पर सेकेंड मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। इसका मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। आई कैन से डी वाई
अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt गिवन. हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जहां पे ये हो रहा है. नाउ सी दिस, सिंस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, राइट दिस एज 1. अब इसके डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. 9 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx अपॉन dt, 16 y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0. 2 का फैक्टर कॉमन है, आपको 9x dx अपॉन dt प्लस 16y, ये dy बाय dt के बदले में माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 गिवन. dx अपॉन dt कॉमन है कट जाएगा, आपको 9x की वैल्यू कितना मिला माइनस 16y, प्लस 16y. और इन अदर वर्ड्स आपको y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 9x अपॉन 16. पुट दिस वैल्यू इन 1, ये वैल्यू डाल दो तो 9x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 16 इंटू 9x अपॉन 16 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400. 9x स्क्वायर प्लस 16 और 16 एक एक कट जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 400. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 16, तो 16 नाइन्स होता है 144 एक्स स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर, और 16 इंटू 4 कितना होता है बच्चा 144 + 81 225 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6400. X square is equal to 25 का फैक्टर दोनों में है, बराबर ना, तो 256 अपॉन 9. इसका मतलब है x का वैल्यू आपको मिलता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 16 और ये आएगा 3. नाउ व्हाट इज y देन? y की वैल्यू ये 16 बाई 3 इसमें डाल दो, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 इंटू प्लस माइनस 16 अपॉन 3, 16 16 गया 9 अपॉन 3 कितना बचेगा प्लस माइनस 3. देयरफॉर आपको रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो है 16 अपॉन 3 कॉमा 3 एंड माइनस 16 अपॉन 3 कॉमा माइनस 3. इज इट ओके? इसका चाहिए तो आंसर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर लो कि आंसर सही है या नहीं. सर करेक्ट ही है, पीछे वही दी है ना, ठीक है.
हाँ सर क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरीफाई रोल्स थ्योरम जरूरत नहीं अपने करने का रूल्स थ्योरम है इसको हम छोड़ दे रहे हैं। सेवन द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ओके एस इज इक्वल टू टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी माइनस फोर फाइंड द टाइम इन द इंटरवेल व्हेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवेल ओके सबसे पहले वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वह है डी एस अपॉन डी टी ओके दैट इज टू टी स्क्वायर यानी कि 40 प्लस 3 स्टेडी रेट पे इंक्रीज हो रहा है नाउ व्हाट इज वेलोसिटी एट स्टार्टिंग वेलोसिटी एट जीरो ये तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो फोर इंटू जीरो प्लस 3 यानी कि 3 velocity at t is equal to 4 that is 4 into 4 plus 3 90 so v average is v at t is equal to 0 plus final velocity divided by 2 yani ki 3 plus 19 upon 2 yani ki 11 अब वेलोसिटी अगर 11 है एवरेज तो हमको क्या दिया है कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v एवरेज v इंस्टेंटेनियस मतलब ये तुम्हारा 40 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11 यानी कि 40 इज इक्वल टू कितना 8 दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चेक करो आंसर क्या दिया सी का वैल्यू 2 दिया है क्या यस सर यस सर राइट यस सर सो यस सर टाइम इज ऑलरेडी अप अभी बाकी का अपन शाम को करते हैं ठीक है आई नो आज सुबह जितने भी क्वेश्चंस किया थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट था बहुत सारे बच्चे लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा मैं नोट सेंड कर देता हूं आप एक बार थोड़ा सा उसको गो थ्रू करो और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगा तो फिर से पूछो जो क्वेश्चन हमने अभी सुबह किए दे वर ऑल वेरी डिफिकल्ट आई नो ओके तो रेफर करके फिर से पूछो तो ज्यादा बेहतर समझेगा आपको